हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज़ लामिया नसीम और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सरफेस टेंशन पर। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे और मेरी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं सरफेस टेंशन को। ओके, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। सरफेस टेंशन बेसिकली एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, या लिक्विड इंटरफेस भी हम बोल सकते हैं। दो लिक्विड के बीच में जो एक इंटरफेस क्रिएट होता है उसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नीचे जो दो लाइन मैंने लिखी उसे मत देखिए, पहले मुझे समझाने दीजिए कि क्या सरफेस टेंशन है। सपोज करिए कहीं पर आपने वाटर रखा हुआ है और ये वाटर की सरफेस हो गई। बकेट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बकेट ले लो और ये बकेट की सरफेस हो गई। तो लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरीके से होंगे इसमें? ये टॉप सरफेस मैं कंसिडर कर रही हूं, टॉप पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे। हम एक मॉलिक्यूल को देखते हैं कि उसमें क्या हलचल हो रही होगी। ओके, देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। अभी मैं प्रीवियस वीडियो में आई थिंक बात कर चुकी हूँ कोहेसिव फोर्स के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर आप देखो, अगर आपने बकेट में वाटर को रखा हुआ है तो ये तो हो गई वाटर की सरफेस। इसके ऊपर क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा, एयर होगी। ओके, और बकेट के अगर फर्स्ट जो टॉप लेयर आप देख रहे हो उसके जस्ट नीचे देखोगे तो उसके नीचे भी वाटर के ही मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। ओके, इस तरीके से इसके नीचे देखोगे तो इसके नीचे भी आपको वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप टॉप सरफेस के एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स यहां पर जो होने वाला है वो जीरो नहीं होने वाला, बिकॉज इस पर्टिकुलर जो टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल है इसके नीचे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये तो इस पे कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। ओके, ये जो इसके जस्ट नीचे वाले एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये क्या लगा रहे हैं? इस पे कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। और इसके जस्ट ऊपर एयर है, तो एयर तो कोई कोहेसिव फोर्स इस पे लगाएगी नहीं। ओके, तो कोहेसिव फोर्स क्या लग रहा है? ये हमारी फ्लूइड की पहली लेयर हो गई, उसके जस्ट वाली जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे कोहेसिव फोर्स लगा रही है। जो नेट डाउनवर्ड आपको कोहेसिव फोर्स मिल रहा है वो डाउनवर्ड, मतलब जो नेट कोहेसिव फोर्स आपको मिल रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर क्या है? हमारी एयर है। तो यहां पर जो नेट फोर्स आपको मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स ये हमारी पहली लेयर हो गई। ओके, सबसे टॉप वाली लेयर देख रहे हैं वो हम पहली लेयर मान रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर एयर है, उसके जस्ट नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। बकेट को ऑब्जर्व करिए तो जो नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो टॉप वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है उस पर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे। और ऊपर एयर है, ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स है नहीं वाटर के जो उसको रोक सके, तो होगा क्या? अब अगर आप टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू में अगर आपको दिखाऊं तो जो टॉप के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। ओके, तो ये जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? इस नेट डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में जो कोहेसिव फोर्स आ रहा है इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टॉप के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? ये आपस में इस तरीके से कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। ओके, इस तरीके से आपस में सब कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, तो इससे क्या होगा? एक टेंशन जनरेट होगा, एक सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, जिसी टेंशन को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। ओके, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि जो हमारे पास वाटर है, जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी टॉप लेयर ऐसे कोहेसिव फोर्स की वजह से नीचे चली जाती है। स्टेबिलिटी तो रहती है ना, अगर बकेट में आपने पानी रखा है तो सरफेस टॉप लेयर तो स्टेबल है ना, तो वो क्यों स्टेबल हो रही है? जबकि नेट जो कोहेसिव फोर्स आ रहा है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, जो उसके जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उस पर कोहेसिव फोर्स लगा के उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट सरफेस कहीं नहीं जा रही है, ऊपर ही है। इसी तरीके से तो जस्ट एडजेसेंट वाले जो टॉप पे जो आप एडजेसेंट के मॉलिक्यूल्स देखोगे ना, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल, तो ये आपस में क्या करेंगे? ये इस पे एक सरफेस टेंशन लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, कोहेसिव फोर्स, जो उसको नीचे नहीं जाने देगा। तो होल सरफेस इज लाइक अ थिन फिल्म। ओके, एक फिल्म की तरह पूरी सरफेस बन जाएगी जो कि टेंशन फील करेगी, उसको ही हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो अब आप अगर नीचे देखो, ऑल द लिक्विड सरफेस आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स जो टॉप सरफेस होगी वो फील करेगी। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, टू ओवरकम दिस डाउनवर्ड टेंडेंसी द मॉलिक्यूल डेवलप स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स विद ईच अदर। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, ये टॉप सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है जो ऐसे टॉप पर ऐसे पूरे स्प्रेड होंगे,
तो वो आपस में एक दूसरे को रोक लेंगे, तो डाउनवर्ड तो फोर्स लग रहा है बट इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया, ऐसे पकड़े हुए एक दूसरे को, तो होल सरफेस जो है द होल लिक्विड सरफेस अपेयर लाइक अ थिन फिल्म, ओके थिन फिल्म की तरह लगेगी, और जो कि किस में होने वाली है, टेंशन में होने वाली है, विच कैन रेजिस्ट स्मॉल लोड। तो ये जो जो हमारे इंसेक्ट्स हैं जो वाटर पे इस तरीके से चल लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, ओके अगर आप स्टील की कोई निडिल अपनी बकेट में डाल दो तो वो फ्लोट करने लगती है, तो वो क्यों फ्लोट करने लगती है, बिकॉज उसका मास बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल मास होता है, और एक टेंशन क्रिएट हो जाती है सरफेस के ऊपर, तो वो आसानी से इंसेक्ट्स उस पर वॉक कर लेते हैं और जो हमारी निडिल है वो फ्लोट कर लेती है। तो क्या आप लिख सकते हो इंसेक्ट्स कैन वॉक एंड स्टील निडिल कैन फ्लोट ऑन दी सरफेस, ओके। तो ये रीजन क्या है कि स्टील निडिल फ्लोट कर ले रही है, इंसेक्ट्स हमारे वॉक कर ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन कैसे आया मैंने आपको समझाया, तो आपको एक बात यहां पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होता है, ओके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में या किसी फ्लूइड्स के बीच में, लिक्विड के बीच में जो कोहेसिव फोर्स डेवलप होता है उसकी वजह से जो टॉप सरफेस है वो टेंशन में आ जाती है, एक टेंशन फील करती है, जिससे ही हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, ओके कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करती हूँ, आप उसे देखिएगा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैंने आपको दिखाया था टॉप व्यू, जहां पर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स डेवलप हो रहा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, ताकि ये जो टॉप के मॉलिक्यूल्स है ये नीचे ना जाए, बिकॉज इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स और भी अवेलेबल हैं जो इस पे क्या करेंगे, एक कोहेसिव फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट सरफेस कहीं पर भी नहीं जाती है, तो एक टेंशन क्रिएट हो जाता है पूरे सरफेस पे। देखिए कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करती हूँ, उसे देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, मैंने लिखा है मैथमेटिकली सरफेस टेंशन फोर्स इज अ कौन सा फोर्स होगा, टेंसाइल फोर्स होगा, जब मैंने आपको बताया कि जो होल सरफेस है वो टेंशन फील करेगी, तो सरफेस टेंशन फोर्स हमारा क्या होगा, इज अ टेंसाइल फोर्स, Fs से रिप्रेजेंट करा है मैंने, विच एक्ट नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरफेस एंड इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, विच एक्ट नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरफेस इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस, ये अभी आपको विद इन वन मिनट में समझ आ जाने वाला है, ओके okay, तो यहां पर अगर मैं सरफेस टेंशन फोर्स की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ ऑफ इंटरफेस एल, ओके लेंथ ऑफ इंटरफेस एल, तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया, सरफेस टेंशन फोर्स हो गया। तो अब आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक हमारा सिग्मा कांस्टेंट ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, और L तो हमारा ऑलरेडी रखा है, तो यहां पर आप सिग्मा की वैल्यू निकालोगे Fs अपॉन L, और यही हमारा क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन, Fs हमारा कहलाता है सरफेस टेंशन फोर्स, और सिग्मा की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है, बिकॉज Fs हमारा क्या है, एक फोर्स है वो न्यूटन में होगा और लेंथ हमारी मीटर में होगी, तो ये हमारा आ गया ओवरऑल सरफेस टेंशन। आई होप आपको ये बात पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर मैंने आपको एक बात बोली थी, ये जो सरफेस टेंशन है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आप स्टार बनाकर एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो। अब मैं अगर बात करूं तो जो सरफेस टेंशन है वो इंटरफेस पर एक्ट करता है, जब मैंने आपको बकेट दिखाई थी इस तरीके से, तो ये हमारी लिक्विड, जो भी लिक्विड आपने इसमें भरा था वो लिक्विड की टॉप सरफेस थी, इसके ऊपर क्या थी, एयर थी, ओके तो ऊपर एयर है नीचे वाटर है, उसके बीच में देखिए एक वाटर, एक लेयर आई थी, एक इंटरफेस आया था। जब आप क्या करते हो, किसी भी आपने किसी भी बीकर में क्या करा, ऑयल भर दिया और वाटर भर दिया, तो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो उनके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट होगा ना, जिस इंटरफेस के जस्ट ऊपर खुद कोई दूसरा फ्लूइड होगा, उस इंटरफेस के जस्ट नीचे कोई दूसरा फ्लूइड होगा, तो इंटरफेस पर ही हमारा ये एक्ट करता है, ओके और नॉर्मल, मैंने लिखा है नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरफेस, ये बात अभी मैं आपको समझाती हूं। तो अगर आप यहां पर देखो तो सिग्मा वाटर और एयर के जो इंटरफेस पे सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है 0.0736 न्यूटन पर मीटर, और ये जो पूरी वैल्यू लिखते हैं ना, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यू होती है। कई बार ईएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वाटर एयर इंटरफेस पे सरफेस टेंशन की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी, इस तरीके से कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज दी होती हैं जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना रहता है, तो ये आप याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ओके अब मैं एक पॉइंट यहां पर और ऐड करने जा रही हूं। अगर आप वेपर डोम बनाओ इस तरीके से,
तो यहां पर आपको मिलेगा एक क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा सरफेस टेंशन हमारा जीरो हो जाता है। तो यहां पर आप लिखिएगा सरफेस टेंशन विल बी जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा सरफेस टेंशन जीरो होता है। सरफेस टेंशन किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के लिए? कोहेसिव फोर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के लिए। ये आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर सिग्मा क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। अब थोड़ा सा जरा आप एक चीज और ऑब्जर्व करिए, नीचे वाली लाइन पर कम ध्यान दीजिए। तो ये सिग्मा क्या लिखा मैंने? न्यूटन पर मीटर लिखा, F by L है ना, तो न्यूटन पर मीटर। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर अपॉन मीटर, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, मैंने जिसका मल्टीप्लाई करा है उसी से डिवाइड दे दिया। तो अब यहां पर ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या होता है? एरिया होता है। और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया जूल पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप जरा ध्यान से देखो, जूल हमारे किसकी यूनिट होती है? वर्क की यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं सो इट इज अ वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो एक और डेफिनेशन आपको सरफेस टेंशन की मिली, इट इज अ वर्क। देखिए जूल लिखा है ना मैंने, तो यहां पर ये क्या है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो यहां पर मैं पूरा लिख देती हूं, सिग्मा इज इक्वल टू रिक्वायर्ड अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, आपको अच्छा अच्छा खूबसूरत सा लिखना है अपनी कॉपी में। मैं ऐसे लिख सकती हूं, वर्क रिक्वायर्ड अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क किसमें? जूल में, और सरफेस एरिया किसमें है? मीटर स्क्वायर में। तो वही लाइन मैंने लिखी, इट इज अ वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई। एक ये एक अनदर डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की, आप वर्क के टर्म में भी सरफेस टेंशन को समझा सकते हो। दूसरा मैंने क्या लिखा, ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, ये बात याद रखिएगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड्स हैं वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल हमारा हो गया सरफेस टेंशन के बारे में। मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करी कि मैं आपको पूरा एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट दे सकूं सरफेस टेंशन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ आई हैं, जैसे जैसे ये बात नहीं समझ आई है नॉर्मल टू दी लाइन ऑफ इंटरफेस, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, आपने क्या करा, सपोज करिए आपके पास इस तरीके से लिक्विड है, आपने क्या करा, कोई इस तरीके से रॉड लिक्विड के ऊपर इस तरीके से रखी है, मतलब ऐसा नहीं है, निडिल आप मान लीजिए जो फ्लोट कर सकती है। तो इस पर जो सरफेस टेंशन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? इस तरीके से। ओके, ये हमारा होगा सरफेस टेंशन का डायरेक्शन। और सरफेस टेंशन अगर हम फोर्स की यहां पर बात करेंगे तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होने वाला है? सपोज कर लीजिए ये जो आपने निडिल डाली है इसकी लेंथ एल है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एल। तो यहां पर इस तरीके से सरफेस टेंशन होगा। आप देखिए नॉर्मल है टू दी लाइन ऑफ इंटरफेस, जो हमारा इंटरफेस क्रिएट हुआ उसके नॉर्मल सरफेस टेंशन लग रहा है। और ये जो प्लेन है ना वो लिक्विड सरफेस का ही प्लेन है, मतलब जो सरफेस टेंशन फोर्स आया है वो लिक्विड के प्लेन के ही अलोंग आया है उसका डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर इस चीज का यही मतलब है, लाइन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल है, नॉर्मल टू दी लाइन ऑफ इंटरफेस, और इन दी प्लेन जो लिक्विड का प्लेन है, इन दी प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड का प्लेन है वही प्लेन हमारा होने वाला है सरफेस टेंशन फोर्स का। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसकी मैंने बात कर ली। अब सपोज करिए ये बात हो गई निडिल की, अगर मैं रिंग की बात करूं या डिस्क की बात करूं तो उसमें सरफेस टेंशन कैसे लगेगा वो भी देख लीजिए जल्दी से। अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग किस तरीके से दिखती है? इस तरीके से। ओके, इसका कुछ आउटर डायामीटर होता है, कुछ इनर डायामीटर होता है। तो आउटर डायामीटर कैपिटल डी मान लीजिए, इनर डायामीटर स्मॉल डी मान लीजिए। तो यहां पर इस तरीके से एक सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा इंटू पाई इंटू स्मॉल डी। ओके, अब इसकी आउटर रिंग पे भी तो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से। ओके, तो ये सरफेस टेंशन फोर्स हमारा कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। ओके, तो ये हमारा हो गया कैपिटल डी होगा, क्योंकि हम लोग आउटर देख रहे हैं, कैपिटल डी हो जाएगा, ये स्मॉल डी हो जाएगा। अब अगर डिस्क की बात करिए, डिस्क की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से डिस्क हो गई। सपोज कर लीजिए इसका जो डायामीटर है कैपिटल डी है, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा? सिग्मा इंटू एल। तो एल, अब ये हमारी क्या है, सर्कुलर है, तो इसका एल कितना होगा?
इस तरीके से सरफेस टेंशन फोर्स हमारा एक्ट करेगा, ओके और सिग्मा एल की जगह आप क्या रखोगे, पाई इंटू डी। तो ये हमारा हो गया पाई इंटू डी, हमारा क्या होता है पेरीमीटर होता है, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा एल। तो सिग्मा इंटू पाई इंटू डी डिस्क के लिए हो गया, और यहां पर टोटल सरफेस टेंशन देखेंगे तो ये वाला और ये वाला ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस टेंशन आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो इस वीडियो में, कुछ ना समझ आया, तो बेशक आप कमेंट करिए, कमेंट के जरिए से मैं सारी प्रॉब्लम आपके दूर कराने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग सोप बबल, लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड जेट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।